हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस चैनल में। हम आज आपके लिए लेके आए पॉपकॉर्न मशीन, इंस्टेंट पॉपकॉर्न मशीन, जो विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर पॉपकॉर्न रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे कस्टमरों की रिक्वायरमेंट थी और हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी कि आप कुछ पॉपकॉर्न मशीन या ऐसा कुछ लेके आए, तो जिसके हिसाब से हमें पॉपकॉर्न मशीन लेके आए हुए आपके सामने। अब हम आज आपको इस पूरी पॉपकॉर्न मशीन की टोटल डिटेल समझाएंगे, ऑपरेट कैसे करना है, कैसे वर्क होती है, क्या चीज़ है, ये सब डिटेल समझाएंगे आपको। या आप पूरी मशीन देख सकते हो, चारों साइड से इसमें ग्लास लगे हुए, कांच लगे हुए, और आपको यहाँ पे पॉपकॉर्न हमने भी टेस्ट किया, यहाँ पे नीचे पॉपकॉर्न पड़े हुए अभी ऑलरेडी, और ये पूरे पॉपकॉर्न जो भी पड़े हैं नीचे भी हीटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉपकॉर्न भी हीट होते हैं। ठीक है, गर्म हो गए। कोई भी कस्टमर आपने अगर स्टोर करके पूरा यहाँ तक भर के रखा है, तो कोई कस्टमर आए तो उसको गर्म ही पॉपकॉर्न मिलेगा, हीटिंग उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा रहेगा। यहाँ पे एक लाइट दिया गया है, जो लाइट चालू बंद, यहाँ से इसका स्विच दिया गया है, तो स्विच बंद करने से लाइट बंद हो जाएगा, स्विच स्टार्ट करने से स्विच लाइट चालू हो जाएगा। आप पूरा देख सकते हो मशीन। ठीक है, अभी हम इसमें आपको ऑपरेट करके इसको समझाएंगे कि कैसे ऑपरेट करना है। फिलहाल हमने इसमें हीटिंग के लिए रखा हुआ है ऑलरेडी, पॉपकॉर्न बन रहा है इसके अंदर, अभी इसका हीटर स्टार्ट है। अभी देखिए आप धीरे धीरे इसके अंदर से पॉपकॉर्न बाहर निकलेगा। ऊपर इसके अंदर ढक्कन भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ढक्कन है। ठीक है, ये ढक्कन अपने निकाल के उसको फिल करना है। वैसे जब तक वो बनेगा नहीं तब तक अंदर ही रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, वो हिसाब से वो ढक्कन वो काम करेगा उसका। ठीक है, अब इसके अंदर अभी पॉपकॉर्न बन रहा है, आप देख सकते हो पूरा राउंड में जो बबल फूट रहे हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहा है। अभी आप देखिए पूरा पूरा राउंड घूम रहा है, मिक्सिंग हो रहा है अंदर। आपने जो भी ऑयल डाला हुआ है, पॉपकॉर्न के दाने डाले हुए, नमक डाला है, हल्दी डाली हुई है, जो भी आपने कॉन्ट्रेटन मिक्स किया है उसके अंदर, वो सब यहाँ पे गोल गोल घूम के मिक्सिंग होते रहते हैं। आप देखिए पूरा प्लेट ऊपर आ रहा है। अभी जैसे वो रेडी हो जाएगा, आप हम उसको नीचे डाल के सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे भी सर्व करके उसको, कैसे उसको सर्व करना है। ठीक है, अभी ये पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुका है। हम इसका यहाँ से मिक्सर और हीटर बंद कर देंगे, हीटिंग करने का वाल्व बंद कर देंगे यहाँ से। आप देख सकते हो पूरा ये प्लेट ऊपर हो गया, नीचे लोहे जो चुंबक रहता है जिसके हिसाब से वो खींच जाएगा प्लेट उसका। अभी हम इसको निकालेंगे यहाँ से, आप देखिए पूरा, ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसको हमने प्लेट यहाँ से ढक देंगे, यहाँ से थोड़ा फंक्शन हम आपको इस साइड का भी बताएंगे, इसमें इसको थोड़ा घुमा के आपको फंक्शन थोड़ा बताएंगे कैसे ऑपरेट होता है। जहाँ से आदमी बनाता है वो फंक्शन है इसका, आप देख सकते हो पूरा, जो आदमी जहाँ से सर्विंग करता है, और यहाँ पे डोर दिया गया है इसको ओपन करने के लिए, जो बनाने के लिए उसको ओपन करेंगे ऐसे। हमने ये ओपन हो चुका है यहाँ से, इसका ट्रिया, इसको अगर भी नीचा करना है तो भी आप नीचे करके इसको सर्व करके बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई पॉपकॉर्न का दाना जो रहता है वो पूरा रह गया है, वो पका नहीं है, तो यहाँ पे ड्रेनेज दिया गया है, वो ड्रेनेज में पूरा दाना सब निकल जाएगा उसका। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए ये जो पूरे दाने रह गए वो यहाँ पे आपके वेस्टेड नहीं जाएंगे, यहाँ पे सर हो के चुन के सब निकल जाएंगे नीचे, आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो दोबारा। ठीक है, हम आपको अभी हम इसमें आपको बना के सिखाएंगे कैसे बनाना है इसको, कैसे ऑपरेट करना है, बेस्ट क्वालिटी का कैसे बनाना है। वैसे तो नॉर्मली आपको इसमें डाल देंगे दाने तो बुबल के आ जाएंगे, लेकिन टेस्ट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। टेस्टी कैसे बनाना है, ये ऑयल है, आप बटर से भी बना सकते हो, ऑयल से भी बना सकते हो, हम यहाँ भी ऑयल से बना रहे हैं इसको। आप देखिए ये ऑयल पहले इसमें थोड़ा रिफिल करना है, ये ऑयल रिफिल कर दिया हमने, बाद में हम थोड़ी हल्दी डालेंगे इसके अंदर, ये हल्दी डाल दी इसमें, थोड़ा नमक डालेंगे इसके अंदर, ये दाने रहे वो पॉपकॉर्न के दाने डालेंगे इसमें हम। ठीक है, अभी इसको अपने इसका जो प्लेट रहता है उसको डाउन कर देना है, ये डाउन हो गया प्लेट इसका। ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग है, हमने जो मटेरियल डाला है, नमक है, ऑयल है, हल्दी है, दाने है, वो सब उसके अंदर मिक्स होंगे, राउटिंग होगी अच्छे से, पूरा राउंड कर दे। और यहाँ पे हीटर है, वो हीटर भी अपने स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका अपने डोर बंद कर देते हैं,
ये डोर बंद कर दिया इसका, 2 से 3 मिनट लेगा वन सेटअप। अगर आप पूरा बाउल भी भर दो, पूरा बाउल भी निकलेगा और यहाँ पे सब स्टोरेज होता जाएगा, धीरे धीरे बना के आपको स्टोर करते रहना है इसको। और एक जो बाउल जो मार्केट में मिलता है 15 से 20 रुपए का, उसको आपको इसमें बनाने का खर्चा, वो बाउल का जो कागज का जो डिब्बा रहता है उसका आपको परचेसिंग कॉस्ट रहता है 1.50 रुपए में मिलता है बाजार में, वो जो भी साइज का आप कागज का खाली इम्प्टी मिलता है वो, उसमें से आपका 1.5 से 2 रुपए का मटेरियल जाएगा, इसलिए बनाने का खर्चा इसमें आपको 3.5 से 4 रुपए का मैक्सिमम गिरेगा। बेस्ट क्वालिटी का ऑयल आ गया, हल्दी आ गया, धान्य आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर आप देखिए धीरे धीरे हीटिंग हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है इसको, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा राउटिंग होके, मिक्सिंग होके, सब इसके अंदर हीटिंग हो रहा है मशीन के अंदर। यहाँ पे 3 स्विच दिया गया है, एक लाइट का स्विच है, ये ऑफ करने से लाइट बंद हो जाएगा। अगर लाइट चालू नहीं करना है, दिन का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, तो लाइट बंद हो जाएगा। ये लाइट का स्विच करने से लाइट ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा इसका। अब देख सकते हो यहाँ पे पूरा, देखिए दाने बंद किए, इसलिए प्लेट भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, वो रेडीमेड हो जाता है, बन जाता है, इसलिए धीरे धीरे प्लेट भी ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो पूरा बंद हो गया। हम इसका हीटर बंद कर देंगे, यहाँ से इसका हीटर है, इसको बंद कर दिया। मिक्सिंग का जो बटन है वो भी हम बंद कर देंगे इसका, अभी रेडी हो चुका है। अभी यहाँ से खाली आपको क्लैंप रहता है, इसको क्लैंप को खाली आप टच करेंगे, सबसे पहले प्लेट को ऊपर कर देंगे अपने, ये प्लेट को खाली टच करेंगे पूरा बाउल नीचे आ जाएगा। आप देखिए देखिए आप ओपन का क्वालिटी देख सकते हो पूरा, ये देखिए क्वालिटी, पूरा टेस्ट मेंटेन किया हुआ है पूरा, सॉल्टेड प्लस उसका जो हल्दी का कलर है वो भी आ गया इसके अंदर, और अच्छे से पूरा पक भी गया है, आप देख सकते हो पूरा पॉपकॉर्न। ये देखिए कोई भी ऐसा दाना नहीं हुआ है जो नहीं पका हुआ है, पूरा प्रॉपरली हर एक दाने पक गए इसके। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, बेटर क्वालिटी का मशीन है। अगर आप इसको शॉप में लगाओ, कोई भी मेले में लगाओ, फंक्शन में लगाओ, गाड़ी में लगाओ, गाड़ी में भी लगाएंगे तो इन्वर्टर बैटरी से आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। ये मशीन का वोल्टेज है 1500-1600 वोल्ट पावर खाता है, ऑपरेट होता है, लेकिन जब वर्किंग कंडीशन है, जब आप इस सब तीनों चीज स्टार्ट करेंगे तभी वो पावर उतना खाएगा, वरना 500 वोल्ट 600 वोल्ट 1000 वोल्ट जैसे भी स्विच दबाएंगे वो हिसाब से पावर ऑपरेट होता रहेगा इसमें, ठीक है। और आपको ये मशीन की ज़्यादा जानकारी चाहिए, इसका प्राइस क्या है, इसे कैसे डिलीवरी मिलती है, क्या फंक्शन है इसके अंदर, तो हमारी डायरेक्ट कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282। आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कोई भी टाइम पे कॉल करके हर एक डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको रोज़ नई नई प्रोडक्ट नोटिफिकेशन हर एक जानकारी मिलती रहेगी। और हमारी न्यू प्रोडक्ट भी हम लॉन्च करने वाले हैं अभी फ्यूचर में, जैसे कि ऑरेंज जूस मशीन है, फ्रेश एंड लाइव ऑरेंज जूस मशीन है, ठीक है, दूसरा कैंडी क्रश मशीन है, बहुत सारी प्रोडक्ट हम धीरे धीरे लॉन्च करते जा रहे हैं। तो हर एक जैसे ही मशीन आती रहेगी, लॉन्च होगी, हम आपको वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे, ऑपरेट करना बताएंगे, समझाएंगे। अगर आपको लेनी नहीं है, कुछ जानना है या मशीन के बारे में जानना है, तो भी आपके लिए वीडियो बेटर रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।